वाह योगराज वाह, क्या चाल चली है। हम तो समझा था कि राजनीति में नेताओं को भगवान भी मात नहीं दे सकता, मगर तुम तो नेताओं से भी आगे निकल गया। क्या चाल चली है, हैं? मैंने तो अपनी चाल चल दी है, मगर सारे पत्ते जो हैं वो अब आपके हाथ में हैं। आप चाहें तो उस लक्ष्मीदास स्टेट पर योगराज नगर यूं बन सकता है। अरे बन सकता है क्या योगराज, समझो कि बन गया। क्यों चंद्रू? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया देशमुख। अरे वहां कोई क्रिकेट का खाली मैदान है जो तुम उधर जाके बिल्डिंग बना लेगा किरे? अरे हमारा तो समझ में नहीं आता है कि तुमको इस राज का मंत्री पद कैसे मिला। 40 साल से बसा लोगों को हटाएगा कैसे? अरे भाई 40 साल से जो काम नहीं हुआ वो 40 मिनट में कर देगा। झगड़ा तो मत करो तुम लोग। नहीं चतुर जी, नहीं अभी नहीं प्लीज। इलेक्शन सर पर है अभी और वो इलाका मेरा वोट बैंक है। आपको जो कुछ भी करना है इलेक्शन के बाद कीजिएगा प्लीज। ए ना चाल बे, ए ना चाल बे। अरे ऐसा लफड़ा तो इलेक्शन में होता ही रहता है। अरे काम करेगा दादा, नहीं समझा? अरे तुम हमको बदनाम करो, हम तुमको बदनाम करता है। अरे बरसों से जो हम जैसा देशभक्त नेता लोग करता आया है। रात दंगा फसाद का बात, दंगा फसाद के मामले में दादा का हाथ पूरा हिंदुस्तान में कोई नहीं पकड़ सकता है। बस बस बहुत तारीफ हो गया, अभी आगे बोलो करना क्या है। अरे इलेक्शन का 2-4 मीटिंग के बाद एक जोरदार धमाका। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद कितने इलेक्शन आए और गए, कितने नेता आए और भाषण दे देकर चले गए, लेकिन इस बार हमने दोनों पक्ष के नेताओं को एक ही साथ बुलाकर आपके सामने खड़े कर दिए हैं। तो लीजिए, ये हैं जनता जागृति दल के नेता श्री बब्बन राव देशमुख और इनकी निशानी है डूबती नैया। इसलिए ये हमारे देश की डूबती नैया को बचाने आए हैं। बजाओ ताली। सुनो सुनो, ये है क्रांति दल के क्रांतिकारी नेता श्री चंद्रसेन आजाद। इनकी निशानी है जली हुई रोटी। इनका दावा है कि देश के हर भूखे नंगे को रोटी खिलाएंगे और खुद भी दबा कर खाएंगे। बजाओ ताली। बंधुओं आनी भगनीनों, भाइयों और बहनों, पिछले कई वर्षों से आप लोग हमें जिताते आए और हम भी जीतते आए, और आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि बदले में हमने आप लोगों को क्या क्या नहीं दिया। अरे ये सब झूठ बोलता है, सब झूठ बोलता है। अरे ये लोग ऐसा बोलता है जैसे टेप किया हुआ कैसेट। मगर आज आप इन लोगों का बातों में नहीं आने का। ये लोग आपको अगर कुछ दिया है तो गोली भी दिया है, बेकारी दिया है, भूख दिया है, भ्रष्टाचार दिया है। ये ना चल बे, ये सरकार ना चल बे। ये क्रांति दल के लोगों की दोगली बातें सुन सुन के मेरा खून खौलने लगा है। मिस्टर चंद्रसेन आजाद, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं कि कुर्सी और सत्ता हासिल करने के लिए तुम लोग कौन कौन से ढोंग नहीं रचाते? धर्म, जातिवाद और पता नहीं कौन कौन से प्रश्न खड़ा करके लोगों को उल्लू बनाते हैं। लेकिन अब हम उल्लू नहीं बनेंगे, ना आपसे ना इनसे। बजाओ ताले। ओ ना चल बे देशमुख साहेब, ना चल बे। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार इस देश का सत्ता का लगाम हमारे हाथ में दो और फिर हमको इस देश का सेवा करने का मौका दो। और हमारी सेवा करते करते ये ऐसा मेवा खाएंगे, ऐसा मेवा खाएंगे कि देश की खटिया खड़ी हो जाएगी। Yeah!
ये देख बस्ती में आग लगी। प्रताप है क्या हुआ? लक्ष्मी दास जी उन्होंने मेरी बीवी को काट डाला। किसने? वो देख के भड़के हैं, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काट रहे हैं। मुझे जल्दी चुनाव लक्ष्मी दास जी मेरी समझ मैं फायर ब्रिगेड को फोन करके आती हूँ। पकड़ उसे। हेलो हेलो, मैं लक्ष्मी नगर से बोल रही हूँ। बोलिए। आप जल्दी आ जाइए, चारों तरफ आग लगी हुई है। हाँ हाँ मालूम है, आग चारों तरफ लगी है, 50 फोन आ चुके हैं। मगर आप कब आएंगे? जब टैंकर आ जाएंगे फिर देखेंगे। सब जलकर राख हो जाएगा यहाँ, जल्दी आइए प्लीज। सर लक्ष्मी नगर में भी दंगे भड़क चुके हैं, हेडक्वार्टर से वायरलेस मैसेज है, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। गोली मारो हेडक्वार्टर के मैसेज को, मर जाने तो 2-5 हजार, जल जाने तो सारी बस्ती को, उसके बाद हम जाएंगे। जाओ और सुनो, वायरलेस मशीन ऑफ कर दो, अगर तुम्हें किसी ने पूछा तो कह देना कि मशीन खराब हो गई थी। अच्छा जाओ, लक्ष्मी नगर जले उसी में हमारी भलाई है।
आज हमारे यहाँ कितनी रोशनी है ना प्रता। ये कैसा व्यापार है प्रता? किसने किसको मारा, किसको चलाया, कोई नहीं जानता। इस लाश की मां, उस लाश की बीवी कहीं रो रही होंगी, उस लाश के बच्चे यतीम हुए होंगे आज। कहीं चूल्हे भूखे सोए होंगे आज। अरे शमशान को रोशन करने वाले खुशियां मना रहे होंगे। प्रताप, वहां कब्रिस्तान में दफनाने को और यहां जलाने को जगह कम है। कतार 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 है, कतार कतार कतार। जीते जी राशन के लिए कतार, मरने के बाद चलने के लिए कतार। सरकार कल इनका दाम लगाएगी, दाम। अरे आधा जला, 50,000, पूरा जला, 1,00,000, हाँ कतार 15,000, घर जला 25,000। अरे तू हंसता क्यों नहीं? अरे हंसना, अरे जोर जोर से हंसना, तुझे तो हंसने की आदत है ना। यह सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता प्रताप। आज यहाँ हुआ है, कल वहां होगा, परसों कहीं और। और हम तू कहता था ना ये सोए हुए, सोने दो, इन्हें मत जगाओ, मत जगाओ, ये सो गए हैं प्रताप, इन्हें कोई नहीं जगा सकता, तू भी नहीं, मैं भी नहीं। अरे इनके तो शरीर मरे है, तेरी तो आत्मा मर चुकी है। अरे तू क्या जगाएगा अपनी आत्मा को? तू क्या लाएगा अपनी आंखों में क्रांति की चमक? अरे तू क्या लाएगा उन दरिंदों से जिन्होंने हमारियत को खेल खेला? अरे हंस ना प्रताप, हंस प्रताप, हंस हंस, बहुत दिल कर रहा तेरी हंसी देखने को। अरे हंस हंस, अरे जोर जोर से हंस हंस। अरे हंस प्रताप, तेरे लिए मैं हंसती हूँ, चल मैं हंसती हूँ। प्रताप क्रांति लाएगा। सच सच बता, कौन है तू, हिंदू या मुसलमान? अगर आप हिंदू हो तो मुसलमान समझकर मार डालो, और मुसलमान हो तो हिंदू समझकर खत्म कर दो।